सुबह के 9:30 हो गए और आज जाने का प्लान है बाजपुर का, तो निकलते हैं बाजपुर के लिए और आपको ज्वाइन करते हैं बाजपुर में। बाजपुर का रास्ता तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई रखा था, बाकी आपको बाजपुर में ज्वाइन करते हैं। बाजपुर पहुंच गए हैं और बाजपुर में अमर पैलेस होटल है, वहाँ पे बैठे हैं, चाय पिए और ब्रेकफास्ट का तो मन नहीं है अभी, और फिर यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कुछ काम वगैरह। हमने खा लिया था, आज खाया था हमने मटन कलेजी और रुमाली रोटी, और अब आ गया हूँ द विलेज रेस्टोरेंट में। आप देख सकते हो क्या वाइब्स हैं यहाँ की। ये द विलेज रेस्टोरेंट बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है, कल रात भी हमने डिनर यहीं करा था, तो कुछ सामान छूट गया था यहाँ पे, तो वही लेने आया हूँ। अब निकलते हैं, जल्दी आ गए थे बाजपुर से, तो अब जो है नहा भी लिया क्योंकि अब थोड़ा गर्मी होने लगी थी, तो बड़ी धूल डस्ट के चक्कर में नहा लिए और अब नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में शाम का खाना बनाएंगे। तो दोस्तों नमाज पढ़ ली है और अब जो है खाने की तैयारी करते हैं, और पुलाव बनाने का मन है, मटर और वगैरह तो मैं ले आया हूँ, बाकी पुलाव बनाते हैं और फिर उसके बाद में खाएंगे, देखते हैं कैसा टेस्ट बनता है आज। तो ये है इंग्रेडिएंट हमारे मटर पुलाव बनाने की, प्याज, 2 टमाटर और अपना मटर, इन्हें छीलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। हमने ये मटर, आलू, प्याज और टमाटर काट दिया है और अब चलते हैं अपना पुलाव बनाने के लिए। अपना पुलाव बनकर रेडी हो गया है, अब चलो इसे निकालते हैं, कैसा बना है देखते हैं। तो आप रेडी हैं पुलाव देखने के लिए कैसे बना है, इंतजार की घड़ियां खत्म और ये रहा हमारा पुलाव बनके तैयार। चलो अभी इसे निकालते हैं और टेस्ट करते हैं। ये रहा अपना पुलाव, ये रहा अपना पुलाव, और चलो इसे टेस्ट करते हैं। बहुत गर्म है, बहुत ही गर्म है, बहुत बढ़िया बना है दोस्तों, बस नमक थोड़ा सा कम रह गया, बाकी टेस्ट बहुत अच्छा है। सारा टमाटर प्याज और वो सब डाला था हमने, और साथ में अपना मैगी वो मसाला डाला था, चाट मसाला और मीट मसाला था वो डाल दिया था, बहुत बढ़िया बना है। बस नमक की कमी है, नमक तो मिला लेंगे, बाकी फिर खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों खाना वगैरह खा लिया है, डिनर हो गया है और अब थोड़ा सा काम करना है, टाइम लगेगा तो काम करेंगे, और काम करने के बाद में फिर अपना ऑफिस का बहुत थोड़ा सा पेंडिंग काम बहुत ज़्यादा रह गया है और उसे निपटाते हैं, और फिर उसके बाद में आपसे मिलना अब नहीं हो पाएगा, सुबह मिलना होगा क्योंकि अब रात हो गई है। तो गुड नाइट, बाय बाय, और मिलते हैं आपसे कल सुबह।